सीमांत अंचल उच्च प्राथमिक विद्यालय बालमती ओडिया भाषार प्रसार और प्रचारी पुस्तिका बंटन कर उत्कल मीडिया सांबादिक संघ आंध्र और ओडिशा सीमांत उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रथम अष्टम श्रेणी पढ़ुवा छात्र छात्री मध्य ओडिया भाषार व्यवहार पर प्रयास कर उत्कल मीडिया सांबादिक संघ रायगढ़ यह परिप्रेक्षीरे आज रायगढ़ सदर महकुमा ठारु 15 किलोमीटर दूरतार आंध्र ओडिशा सीमांत अवस्थित डांगलोड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत बालमती उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंची प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी पर्यंत अध्ययन करतिबा प्राय 25 जन छात्र छात्री मानक मध्यरे छबिल मधु वर्णबोध पुस्तिका लिखनी पुस्तिका कंपास बक्स और शुकिला खाद्य बंटन करते उक्त ग्राम ठारु प्राय 1 किलोमीटर दूरतार आंध्रप्रदेश ग्राम और विद्यालय रही ओडिशा और आंध्र सीमावर्ती अंचल विद्यालय मानक पढ़ुवा छात्र छात्री मानक पाठ प्रति आग्रह सृष्टि करने उत्कल मीडिया सांबादिक संघ तरफ प्रयास विभिन्न समय कर आगकु कार्यक्रम मान जारी रही संघर सभापति दयानंद खड़ंगा प्रकाश कर ए अवसर डांगलोड़ी ग्राम पंचायत सरपंच गंगाधर काड्राका जोगदे विद्यालय छात्र छात्री को पठन सामग्री बंटन करने उत्कल विड़िया सांबादिक संघर कर जनहितकर कार्यक्रम को उच्च प्रशंसा करते उक्त कार्यक्रम को उत्कल मीडिया सांबादिक संघर सभापति दयानंद खड़ंगा नेतृत्व में उपसभापति श्रीनिवास बलिया सिंह संपादक मनोज कुमार साहू उपदेष्टा सरोज कुमार साहू मनोरंजन विश्वाल विद्यालय प्रधान शिक्षक जे गोपाल कृष्ण शिक्षक संजय कुमार स्वाई और शिक्षयत्री कविता परिडा प्रमुख उक्त कार्यक्रम रे सहयोग करथिले संजय कुमार स्वाई मैं जाओ भलो जो उत्कल मीडिया सांबादिक संघ कर्मकर्ता से हम विद्यालय रे छात्र मान को बहुत कुछ मान शिक्षा उपरे सामान्य धारणा देले तत्सहित खाता कलम बही छबिल मधु बर्णबोध बही जोमेट्री बक्स इत्यादि समस्त छात्र छात्री मान को देले से जो मान गरीब पिला माने से माने द्वारा बहुत किसी उपकृत हेबे किंतु जाओ बहुत भल काम करथुवारु आमर विद्यालय तरफ अशेष अशेष धन्यवाद मो नाम हूँ गंगाधर काड्राका डांगलोड़ी पंचायत वर्तमान नवनिर्वाचित सरपंच अच्छी सर एटा बर्तमान आसिले आमर सरकार उच्च विद्यालय प्रथम श्रेणी टू अष्टम श्रेणी पर्यंत पिला प्राय आम 50-60 पिला वर्तमान अच्छा मान शुखिला खाद्य आरंभ करी पेंशन कंपास बक्स आबिल मो छबिल बर्द बही वर्णमाला बही आता पेन सब किसी देखिए आम पिला उत्साह बालमती प्राथमिक विद्यालय तरफ एवं डांगलोड़ ग्राम पंचायत तरफ बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण कर।